फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की कचौरियों की रेसिपी, क्योंकि ज़्यादातर जब आलू की कचौरियाँ बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से कचौरियाँ फट जाती हैं, फूलती नहीं है। तो आज मैं वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दूंगी, जिससे कि आलू की कचौरियाँ बहुत बहुत स्वादिष्ट बनती हैं और बिल्कुल भी फटती नहीं है, बहुत टेस्टी और फूली फूली कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं आलू की कचौरियों के लिए किन किन सामानों की जरूरत है। आइए तो देख लेते हैं आलू की स्वादिष्ट कचौरियाँ बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेने वाले हैं आटा। तो ये गेहूं का आटा है जिसका हम डो तैयार करने वाले हैं कचौरियों के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल आटा लिया है, आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लीजिए, जितनी आपको कचौरियों की जितने लोगों के लिए बनानी है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम लेने वाले हैं आलू, तो ये बॉयल्ड आलू हैं, 7-8 मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं जिनके कवर छिलका उतार लिया है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, रिफाइंड ऑयल, अदरक, हरी मिर्च, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साबुत ज़ीरा, किचन किंग मसाला, आप गरम मसाले का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नमक, कसूरी मेथी। तो चलिए शुरू करते हैं आलू की स्वादिष्ट कचौरियाँ बनाना। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम टाइम की बचत कर लेते हैं, तो उसके लिए स्टार्टिंग में ही हम ऑयल रख देंगे गरम होने के लिए, जिसमें हम कचौरियों को तलने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं डो लगाना। तो जिसके लिए मैंने आटे गूंदने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, और इसमें हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को आप अच्छे से साफ कर लीजिए छान के, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक की मात्रा हमें आधी क्वांटिटी में रखनी है आटे में, क्योंकि बाकी हम जो स्टफ तैयार करेंगे कचौरियों के लिए, पिट्ठे तैयार करेंगे आलू की, उसमें भी नमक होगा, तो इसलिए इसमें हम नमक थोड़ा लिमिटेड यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ऑयल, तो इसमें हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और रिफाइंड ऑयल की मात्रा हम रखेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है, और नॉर्मल पानी के साथ हम इस डो को तैयार करेंगे। कचौरी के लिए जो हमें आटा गूंदना है वो ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, जिस तरह पूड़ी का गूंदता है वो बहुत टाइट होता है, तो उस तरह नहीं गूंदना है, और ना ही ज़्यादा बारीक पतला गूंदना है। तो सॉफ्ट आटा तैयार करना है तो इसके लिए हम बिल्कुल सादा नॉर्मल पानी का यूज़ करेंगे। तो इसे हम गूंद के एक सॉफ्ट आटा डो तैयार कर लेते हैं। तो जो कचौरी का डो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, और डो एकदम सॉफ्ट रखा गया है, देखिए जिस इस तरीके से एकदम सॉफ्ट है डो, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। और अब इसे मैं सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, जितनी देर में हम जो इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो आइए आलू के पिट्ठे बनाने के लिए हम एक बाउल ले लेते हैं खाली, जिसमें हम ये पिट्ठे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं कद्दूकस ले रही हूँ, कद्दूकस हो जाएंगे। आलू कद्दूकस हो चुके हैं, और यहाँ तक के प्रोसेस में अभी तक मैंने आपको 2 टिप दिए हैं। दोनों बातों का ध्यान रखना है कचौरी बनाने के लिए, पहला कि आप जब डो तैयार करें, आटा तैयार करें, तो आटा सॉफ्ट तैयार करें, दूसरा कि आप कचौरी के लिए जब भी पिट्ठी बनाएं तो आलू को कद्दूकस करें। ज़्यादातर मैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैश ना करके अगर आप कचौरियों के लिए खास तौर से आलू को कद्दूकस करेंगे तो स्टफिंग जो है बहुत अच्छी तैयार होगी, वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बाहर नहीं निकलेगी। तो चलिए यहाँ पर आलू कद्दूकस हो चुके हैं, अब इससे आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। आलू को कद्दूकस करने के बाद अब यहाँ पर हम स्टफिंग डालना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मसाले डाल देती हूँ, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च भी हमने ली है तो लाल मिर्च पाउडर उसी अकॉर्डिंग यूज़ करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आमचूर पाउडर आधी छोटी चम्मच, अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किचन किंग मसाला जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ना कि गरम मसाला, लेकिन अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। किचन किंग मसाले का जो टेस्ट फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए यहाँ कचौरियों के लिए खास तौर से मैं किचन किंग मसाले का यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी 1/4 चम्मच यूज़ करेंगे, और कचौरियों में अंदर स्टफिंग में मैं साथ में डालने वाली हूँ जीरा, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है साबुत जीरा। कचौरी आलू के पराठे आप बनाएं तो आप उनमें भी ये टिप यूज़ कर सकते हैं
कि जो साबुत जीरा होता है वो कचौरी या आलू के पराठे में जब जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच साबुत जीरा जो है वो ऐड किया है, और अब इसके साथ हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक हमने आटे में भी डाला है और यहाँ पर हम पिट्ठी में भी डाल रहे हैं, तो नमक उसी अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। साथ में ही हम यहाँ पर डाल देते हैं कसूरी मेथी। जो कसूरी मेथी होती है वो कचौरियों के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, तो इसलिए आप कसूरी मेथी का यूज़ कीजिए। और अब डाल देंगे इसके अंदर अदरक बारीक कटा हुआ, बहुत छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्च, प्याज बारीक कट। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे हमने बहुत बारीक कट किया है, क्योंकि कचौरियाँ हैं स्टफिंग में अगर मोटी प्याज डालेंगे आप तो वो फटने का डर रहता है, इसलिए आप उसे बारीक कट कीजिए जिससे कि स्टफिंग में भरते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर दी है और साथ में ही इसमें जाने वाला है हरा धनिया। तो ये हरा धनिया, अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैं इन्हें करने वाली हूँ हाथ से अच्छे से मिक्स, जिससे कि स्टफिंग और पिट्ठी जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। कचौरी की जो स्टफिंग है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप एक बार इसे यहाँ पर टेस्ट कर लीजिए नमक मिर्च मसाला आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसके बाद ही हम इसे स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये स्टफिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, टेस्ट फ्लेवर सबके साथ। तो अब ये डो जो है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि पिट्ठियाँ तैयार हो चुकी है, तो अब डो को भी एक बार चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम जो डो है उसे चेक कर लेते हैं। डो भी अच्छे से सेट हो गया है, ऑयल गरम हो चुका है। तो ये देखिए जो डो है बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार हुआ है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो ये डो अच्छे से तैयार है, ऑयल गरम है और पिट्ठी भी तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं कचौरियाँ बनाना। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस करके ऑयल ऐड कर देते हैं। और अब ऑयल के हेल्प से हम छोटी छोटी लोइयां कचौरियों के लिए ऑयल हाथ में लगा लेंगे, जिससे कि लोइयां जो है आटा चिपके नहीं। तो देखिए इस तरीके से लोई तैयार कर लेते हैं। सभी लोइयों को साइज जो हमें ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। जो रोटी की लोई बनाते हैं आप उससे थोड़ा सा छोटा साइज रखिए, क्योंकि पूड़ी के लिए बहुत छोटी बनती है, लेकिन जो इसके लिए कचौरियों के लिए लोई बनती हैं वो ज़्यादा छोटी नहीं होती। तो रोटी की जो आप लोई बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज रखिए कचौरी के लिए। तो चलिए इसी तरीके से सभी जो लोइयाँ हैं कचौरी की हम उन्हें तैयार कर लेंगे। कचौरियाँ बेलना शुरू करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम सरफेस एरिया को एकदम क्लीन कर लेंगे, उसके बाद लोई लेंगे और लोई में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे कि ये नीचे चिपके नहीं। और हम इसे बेलना शुरू करते हैं, और बेलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो लोई आप बेलेंगे उसके कॉर्नर्स आप पतले कीजिए बीच के बजाय। तो कोशिश कीजिए कि जो कॉर्नर्स हैं ये अच्छे से पतले हों और बीच का एरिया जो है वो मोटा रहे। तो ये देखिए मैंने कोशिश की है कि कॉर्नर्स जो हैं वो पतले रहें और बीच में थोड़ा सा मोटा रहे। तो इसके बाद अब इसके अंदर हम स्टफिंग ऐड कर देते हैं। स्टफिंग ऐड करने के बाद कॉर्नर्स से इसे पकड़ते हुए ये बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बंद अच्छे से होना चाहिए, लॉक अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो तेल में ये कचौरियाँ खुल जाएंगी और आलू जो है पूरे तेल में फैल जाएगा, जिसकी वजह से पूरा तेल खराब हो जाता है। तो कचौरियों को बंद बहुत अच्छे से करना है, इस तरीके से एकदम लॉक कर देंगे कचौरियों को। और अब उसके बाद ऐसे हल्का सा पुश करके दबाएंगे। अब फिर से एक बार इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और नीचे भी अच्छे से दोनों तरफ ऑयल लगा लेंगे। और अब इसे थोड़ा सा बेलेंगे।
जितना भी आप आराम से बेल सकें, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं, जितना भी आप बेल सकें कचौरी को। तो ये देखिए कचौरी जो है हमने इस साइज़ की बेल ली है। अब इसी तरीके से मैं सारी बाकी की कचौरियाँ भी बेल कर तैयार कर लेती हूँ। तो कचौरियाँ अच्छे से बेल चुके हैं, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड है कितना बड़ा करना चाहते हैं। सिर्फ उतना बेलिए कि कचौरियाँ फटनी शुरू ना हो। जब आपको लगे कचौरी थोड़ी सी फटने लगी है तो आप उससे बड़ी कचौरी नहीं बेलिए। तो ये मैंने मीडियम साइज़ रखा है कचौरियों का, जितना पूड़ियों का होता है उतने साइज़ की मैंने कचौरियाँ बनाई हैं। तो चलिए अब इन्हें गैस की तरफ चलते हैं और तलना शुरू करते हैं। तेल गर्म हो चुका है, शुरू करते हैं कचौरियाँ तलना। और कचौरियों को तलते वक्त हमें, क्योंकि स्टफिंग हमने इसमें काफ़ी सारी भरी है, तो कचौरियाँ जो हैं कम स्टफिंग होती है तो ज़्यादा फूलती है, और अगर ज़्यादा स्टफिंग होती है तो कम फूलती है। जब आप इसे तलना शुरू करें तो हीट जो है एकदम गर्म होनी चाहिए, और इसे प्रेस करिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये फूलने की गुंजाइश हो। लाइट ब्राउन होने तक हम कचौरियों को दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से सेकेंगे। तो ये देखिए कचौरी अच्छे से तल चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है, लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से सभी कचौरियों को तलकर तैयार कर लेते हैं। तैयार है आलू से भरी हुई कचौरियाँ, और ये बहुत टेस्टी लगती है, बनाने में बहुत आसान है। और छोटी बड़ी जो बातें हैं वो इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, या फिर संडे हो, तो जब भी आपका मन करे आप आलू की कचौरियाँ बनाइए और गर्म गर्म इसे इंजॉय कीजिए। आप आलू की कचौरियों को खा सकते हैं दही के साथ, केचप के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ। वीकेंड में बनाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए आपको आलू की कचौरियाँ की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।